अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बाबा गुरु नानक की बर्थडे की विशेज़ के कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, जिसको आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा सकते हैं, फेसबुक पर भी लगा सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया का ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप ये स्टेटस लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाएगी। जैसा कि आप सब वीडियो में देख सकती हैं कि ये हैप्पी गुरु नानक जयंती लिखा हुआ है और ये जो है वो सिखिज़म में जो है ये एक फेस्टिवल है जो 30 नवंबर को मनाया जाता है, नवंबर 30 को। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के स्टेटस के आइडियाज़, फेसबुक के स्टेटस के आइडियाज़ और जो भी आप सोशल मीडिया का ऐप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उस पर जो है आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं, स्टोरी भी लगा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को मेंशन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये जो सेलिब्रेशन है वो बाबा गुरु नानक जो सिखिज़म के फाउंडर कहलाते हैं उनकी बर्थडे के याद में मनाया जाता है। और गोल्डन टेंपल अमृतसर में भी जो है इसकी काफ़ी तकरीबात होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान में भी गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में इसकी काफ़ी तकरीबात होती हैं। तो इसके आपको इस वीडियो में जो है व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा स्टेटस के आइडियाज़ मिल जाएंगे, फेसबुक के भी स्टेटस के आपको इसमें आइडिया मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस पर कॉमेंट कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।